अगर आप भारत से बाहर की यात्रा करते रहते हैं और दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए झटका देने वाली है। वो कैसे, चलिए बताते हैं। फॉरेन में घूमना फिरना, शॉपिंग करना और क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करना अब आपको महंगा पड़ने वाला है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चों को RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS में टाल दिया है। अब ये मामला क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI से ये कहा कि जो भी क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे फॉरेन में टूर पैकेजेस, ट्रिप, शॉपिंग, इन सभी ट्रांजैक्शन को LRS में इंक्लूड करें। LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब ये LRS है क्या? एज पर FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में फॉर्म हुई थी, उस टाइम गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया के बाहर अगर कोई पैसा लेकर जा रहा है, जैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसकी लिमिट $25,000 थी, फिर उसे बढ़ाकर $2.5 लाख कर दी गई। अगर आप इस लिमिट से आप रीच आउट करते हैं या एक्सीड करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अब्रॉड एज अ स्टूडेंट जाते हैं या किसी मेडिकल इश्यूज की वजह से, तो आप अपने साथ $2.5 लाख तक की रकम ले जाते हैं, जो कि एक लिमिट है, और आप इतने पैसे बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया के बाहर अपने एक्सपेंसेस के लिए ले जा सकते हैं। इसे ही LRS कहते हैं। अब इसी स्कीम में गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट किया, कोई भी इसका मतलब किसी भी तरह का इंटरनेशनल पेमेंट किया, तो उस पर आपको 20% का TCS लगेगा। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। इससे पहले लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने पर 5% TCS लगता था, वही अब यानी 1 जुलाई 2023 से इसमें 20% TCS लगेगा। 1 जुलाई से अब इंटरनेशनल शॉपिंग से लेकर सब्सक्रिप्शन सब कुछ महंगा होगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से सलाह मशवरा करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नियम 2000 के नियम 7 को हटा दिया है। इस तरह LRS के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए फॉरेन में किए गए एक्सपेंसेस को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने बजट 2023 में टूर पैकेजेस और LRS जिसमें एजुकेशन और मेडिकल को छोड़कर दूसरे एक्सपेंसेस पर TCS लगा दिया है, यानी एजुकेशन और मेडिकल पर आपको कोई भी TCS नहीं देना होगा, जो पहले दे रहे थे वही देना पड़ेगा। अब इसका आप पर या आम लोगों पर कैसा असर पड़ेगा, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कि आपने अमेरिका घूमने का प्लान बनाया है और 1 लाख रुपए का आपका एयर टिकट बुक हुआ है, तो 20% TCS के हिसाब से आपको 1 लाख के अलावे 20,000 रुपए देने होंगे, यानी 1 लाख टिकट के और 20,000 TCS के। नंबर 2, फिर आपने अमेरिका घूमने के दौरान अपने होटल के बिल, शॉपिंग, खाना पीना सभी का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, जो कि 2 लाख रुपए का था, तो आपको इसमें TCS पड़ता है 40,000 रुपए। नंबर 3, इतना ही नहीं, अगर आपने UK, US, UAE या किसी और देश से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, सब्सक्रिप्शन लिया, तो भी आपको उस खर्चे पर 20% TCS चुकाना होगा, भले ही आप ये सारी खरीदारी भारत में बैठकर क्यों ना कर रहे हो। ध्यान दे कि विदेश में यानी फॉरेन में आप जो भी खर्च करेंगे उस पर आपको 1 जुलाई से 20% TCS देना होगा, जो कि पहले 5% था, भले ही आप ये पेमेंट डेबिट कार्ड से करें, कैश में करें या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। नई चीज ये है कि अब क्रेडिट कार्ड को भी LRS में शामिल कर लिया गया है, जो कि पहले नहीं था। जैसे मान लीजिए आपने अपने परिवार के साथ दुबई घूमने का प्लान बनाया, किसी ट्रैवल एजेंट से 3 रात 4 दिन का कोई पैकेज लिया जिसकी कुल कीमत बैठेगी 3 लाख रुपए, जिसमें आपका रहना, खाना, घूमना सब कुछ शामिल है। आपने ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कैश में या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या फिर चलो क्रेडिट कार्ड से ही कर दिया हो, आपको उसमें 20% TCS देना होगा उस पूरे खर्चे के साथ, यानी 3 लाख के हिसाब से 3 लाख और अलग से TCS चार्ज 60,000 रुपए। हालांकि अब इस TCS को टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए तो आपका पैसा फंस गया ना। अब गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या सोचा है, इसके बारे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसके पीछे आपका क्या सुझाव है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।